आपने कहा पैसे तो बहुत हैं, पर फिर भी इंडिया इतना बड़ा देश है, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी मिलेगी? बॉम्बे वाले कहते हैं कि हमें चाहिए, हमारी कोस्टल रोड जल्दी तैयार करो, बैंगलोर वाले कहते हैं हमारा ट्रैफिक सॉल्व करो, इंटरसिटी हाईवे बनाने हैं। पहला सवाल मेरा ये था कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि अब कौन सा चुने, यू नो। एंड सेकेंड ये कि जो रोड पे तो बहुत काम हुआ है, एयरपोर्ट्स पे भी बहुत काम हुआ है, वाटरवेज पे हमने इतना नहीं किया है। इंडिया में हम काफ़ी कुछ और कर सकते हैं अपने सी के राउट से या इवन रिवर्स पे सम प्लेसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो वो क्यों नहीं हो पाता है उस स्पीड पे वाटरवेज? और ये जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है आप कैसे चुनते हो कि हाँ भाई इस बार इनका ये करना है वो करना है, कौन सा करना है? देखिए पहली बात तो ऐसे कि मैं आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर बनाने थे और गवर्नमेंट में पैसे नहीं थे और मैं चाहता था कि गांव के रोड पहले बने। तो फिर हमने उस समय एक टेंडर निकाला था, धीरूभाई थे उस समय अंबानी, तो तीन में वो लोएस्ट है। फिर वो टेंडर देते समय मैंने कहा कि ये इनका कोड बहुत ज़्यादा है, 3600 करोड़ है आज के 40,000 करोड़, तो मैंने कहा ये 1800 करोड़ मैक्सिमम हो सकता है। तो मैंने नहीं कहने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, तो वो भी नाराज हुए। पर बाद में हमने MSRDC करके एक संस्था तैयार की। मुझे कल याद आया, मैं वो रामनाथ गोयनका जी का अवार्ड देने के लिए परसों दिल्ली में था, तो मुझे याद है उस समय धीरूभाई अंबानी के पास मैं गया था, तो उनको समझाने के लिए गया, मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए, बोले तुम्हारे जैसे बहुत मंत्री आते और जाते हैं, अच्छा हो रहा था काम तूने इसको ये कर दिया। मैंने बोला नहीं धीरूभाई मैं पक्का, तो नाराज ही थे। तो आखिर मैं सुनते सुनते मैंने उनको बोला धीरूभाई अगर मैं ये रोड बनाऊंगा और 2 साल में बना के दिखाऊंगा तो आप क्या करोगे, मुझे क्या करोगे? बोले आप क्या करोगे? मैंने बोला ये रोड अगर मैं नहीं बना पाऊंगा तो मैं मेरी मूछी काट दूंगा, आप क्या करोगे? तो हंसते हुए रहे। बाद में ये रोड का मैंने जब काम शुरू किया तो मैं पुणे गया था, तो मुझे एक इंडियन एक्सप्रेस के जिनके नाम से एक अवार्ड है वो करदड़ी करके पत्रकार थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये रोड बनाने वाले हैं, अभी आपने टेंडर रिजेक्ट किया, आपके पास पैसे कितने हैं? तो मैं तो बड़ा फ्रैंक और क्लियर हूँ, मैंने कहा 5 करोड़ रुपये। तो उन्होंने कहा कितने दिन में रोड का काम पूरा होगा? 2 साल में। कितना पैसा लगेगा? 1800 करोड़ रुपये। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप पॉलिटिशियन खुद को क्या समझते हो? मैंने बोला मैं कुछ नहीं समझता। बोले आप कुछ भी आओगे कुछ भी बोलोगे और हमने आपको छापना चाहिए ऐसी आपकी अपेक्षा है क्या? आपके पास 5 करोड़ है और 2 करोड़ में 2 साल में हाईवे बनाओगे, तुम्हारे पास है क्या? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया, मैंने कहा था इफ देर इज अ व्हील देर इज अ वे एंड इफ देर इज नो व्हील देर इज ओनली सर्वे डिस्कशन सेमिनार कमिटी सब कमिटी एंड रिसर्च। और ये कथा का एंड बहुत अच्छा हुआ कि हमने 2 साल में रोड बनाया, जो धीरूभाई 3600 करोड़ कर रहे थे वो 1650 करोड़ में बना। आप बोल रहे हैं आप धीरूभाई से बेटर बिजनेसमैन, वो भी बताता हूँ आपको क्या हुआ। और बाद में रोड तो अच्छा है, आप में से बहुत से लोग गए होंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे, और बाद में वो रोड चल रहा था, एक बार धीरूभाई ने मुझे बताया बुलाया और मुझे बेकर चैम्बर में मैं गया खाना खाने समय, उस समय चैनी करके इंडिया, वो मुझे बोल रहे थे कि धीरूभाई को आपको मिलना है, अनिल और मुकेश भाई थे, चारों मिलकर खाना खाया साथ में। बोले नितिन मैं हार गया तुम जीत गए। मैंने बोला क्यों? अरे बोले मैं हेलीकॉप्टर से देखता हूँ पूरा रोड अच्छा हो गया। तो बोले अब मैं क्या करूँ? मैंने बोला आप कुछ मुझे एक ही करिए आशीर्वाद दीजिए। फिर उनने मुझे कहा कि एक काम कर, मेरी माँ के नाम से ये मुंबई पूरे रोड पर एक अस्पताल बन रहा है और मेरी इच्छा है कि इसका उद्घाटन तुम्हारे हाथ से कर रहा है और मैं जरूर आऊँगा। तो बाद में उन्होंने कहा दशहरे के दिन है, तो मैंने कहा धीरूभाई एक अड़चे हुए दशहरे के दिन संघ का उत्सव होता है, मैं जब से हूँ तब से कार्यक्रम कभी मिस नहीं किया हूँ, कितने बजे खत्म होता है? बोला 9:30-10 बजे, वो चिंता मत, मेरा हवाई जहाज रुका रहेगा, वहाँ से पूरा आओ हेलीकॉप्टर से आओ, मेरे साथ खाना खाओ, उद्घाटन करो और मैं तुमको 6 बजे तक नागपुर छोड़ दूंगा। मैं उस कार्यक्रम में भी गया। बाद में उन्होंने एक बात मुझे कही और इसलिए उन्होंने कहा कि देखो
मैं एक स्कूल मास्टर का बेटा था, जीवन में उनने मुझे आईसीआईसीआई बैंक में उनको पहला लोन जो मिला उसकी कहानी बताई पूरी, जो लोन रिजेक्ट हुआ था। और जब आखिरी बार जब गए, शायद वो कामत साहब थे, तो लोन गया तो उन्होंने रिजेक्ट को अप्रूवल दिया, तो इन्होंने उनको पूछा कि सब मेरा रिजेक्ट हुआ आपने कैसा दिया, तो बोले मैंने आपके आंखों में सक्सेस देखा। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं, आज 12 बज रहे हैं, अगर मैं 4 बजे तक चाहूँ तो 5,000 करोड़ उस समय की बात मैं कर रहा हूँ मिल जाएंगे। तो अब मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। पर तुम्हारे जैसे 2-4-5 लोग देश में मिलेंगे तो देश का तकदीर बदल जाएगा, मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हें।